डेरिवेटिव, ठीक है। देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जैसे हम लोग डीवाई बाई डीएक्स लिखते हैं, तो डीवाई बाई डीएक्स को क्या बोलते हैं, इसको जो रीड करते हैं डीवाई बाई डीएक्स ही होता है, लेकिन बोलने का ये होता है कि इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर डीवाई बाई डीएक्स है तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो जाए dx by dy, तो dx by dy को क्या देखो, जो ऊपर होता है ना दो वेरिएबल होते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना y equal to fx, तो y equal to fx में एक वेरिएबल x हो गया और दूसरा वेरिएबल y हो गया, तो y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं इसको, और x को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। x को इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, मान लो अगर फंक्शन आ गया y equal to, मान लो x square लिखा हुआ है, तो x कुछ भी डालते रहो, x जो डालोगे उससे कॉरेस्पॉन्डिंग y रिजल्ट आएगा अपना, तो y किस पे डिपेंड करेगा, x पे, तो x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसमें जो ऊपर होता है ना वो डिपेंडेंट होता है और नीचे वाला क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये आगे अपना जब डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस में तो वहां भी आएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो dy / dx से क्या होता है कि y क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, मतलब ऐसे फंक्शन दे रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे dy / dx तो भाई ये डिपेंड करेगा और ये इंडिपेंडेंट रहेगा, तो जो ऊपर होता है ना वेरिएबल वो डिपेंडेंट होता है और जो नीचे है वो इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर dy / dx था तो क्या लिखा था हमने, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जो डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो इसमें जब dx / dy लिखा हुआ है ना, तो ये क्या होगा, सेम ही होगा, फर्स्ट ऑर्डर तो ही, बस फर्क क्या होगा कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y ये चेंज हो गया, कि जो पहले हम x का y का x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे थे, अब क्या हो गया x का y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर dy / dx हो और dx / dy हो तो दोनों अलग अलग होते हैं, रिजल्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इसी में देखो ऐसा हो d2y / dx2, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो लिखते कैसे होता क्या, तुम्हें याद होगा कि बार बार हम लोग यही करते थे कि फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ एक्स हो, अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो तो हम क्या करते थे, d बाई डी एक्स दोनों साइड, मतलब d बाई डी एक्स इधर भी और d बाई डी एक्स इधर भी, याद करो बार बार हम लोग यही करते थे कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो वही बेसिक्स होते हैं, बार बार कंफ्यूजन भी होता है और आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत कुछ भी होगा। तो dy / dx ध्यान रखना, जब भी हमें डिफरेंशिएट करना होता है तो क्या करते हैं, dy / dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे dy / dx से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक बाय डिफरेंशियल होगा। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल का मतलब हो गया कि जो फंक्शन गिवन है उसको जो एक बार तुमने डिफरेंशिएट किया उसको फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो देखो ये dy / dx था एक बार डिफरेंशिएट किया, अब एक बार और करना है तो क्या करेंगे, ये dy / dx से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो एक बार डिफरेंशिएट किया था एक बार dy / dx आया, दो बार डिफरेंशिएट किया था दो बार dy / dx आ गया, तो सर dy / dx आ गया। अब देखोगे तो dx और dx, dx कितनी बार हो गया, दो बार, और d कितनी बार हो गया, दो बार, तो यहाँ d दो बार है तो d का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ dx कितनी बार है, दो बार, तो dx का स्क्वायर हो जाएगा इंटू वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है ना इसको अगर बाइफरकेट करोगे तो ऐसे बनेगा, d2y by dx2 का मतलब होगा d by dx into d by dx of y। आयो इसमें समझ ना, ना इसको ब्रेक करने आना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई ऐसे रट लिया तुमने, ठीक है। तो d2y by dx2 कैसे बनता है वो क्लियरली यहां से तुम्हें दिखेगा, ठीक है। तो अगर दो बार डिफरेंशिएट करना है तो d by dx को हम क्या करेंगे, दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर तीन बार करना हो तो क्या करेंगे, तीन बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ चलो। और देखो इसी में मान लो
टू की जगह एन लिख दो, मतलब डी की पावर एन और डी एक्स की पावर एन, तो इसको क्या बोलेंगे, एन एथ ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलेंगे एन एथ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसी में मान लो ऐसा लिखा हुआ एक कि मान लो डी थ्री एक्स अपॉन डी वाई थ्री, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, ध्यान रखना यहाँ एक्स है ना और यहाँ वाई है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड कैसे आ गया क्योंकि डिग्री थ्री हो गया, सॉरी डिग्री बोल रहा हूँ ऑर्डर थ्री हो गया, तीन बार हमने डिफरेंशिएट किया, तो तीन बार हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, किसका, एक्स का, ठीक है। अब देखो एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आता है और इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा, वो ये है कि जनरली क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई, ये हमेशा वन, ये अब समझो कि dy by dx and dx by dy ये दोनों एक दूसरे क्या रेसिप्रोकल है, एक निकालोगे तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो dx से dx कैंसिल हो गया, dy से dy कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा, वन ही आएगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अगर मान लो तुम्हारे पास, ध्यान देना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर अपने पास ये देती है डी टू y into dx divided by dx square और d2x upon dy square, ये जो है ना ये वन नहीं आ, in fact वन केवल डिग्री वन के ऑर्डर वन के लिए, अगर दोनों का ऑर्डर वन है then the product of both जो भी है derivative is always equal to one, लेकिन जैसे इनका ऑर्डर अगर वन से ज्यादा हो, टू हो थ्री हो फोर हो कुछ भी हो, अगर greater than one होगा तो इनका प्रोडक्ट कभी भी वन नहीं है। देखो कैसे आएगा, तुम अब इसको डिराइव मतलब खुद से भी कर सकते हो, इसका क्या मतलब हुआ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का मतलब ध्यान देना, अभी मैंने बताया था डी बाई डी एक्स फिर डी बाई डी एक्स इन टू वाई, यही तो हुआ। डी टू का मतलब क्या हुआ, दो बार डी, और डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, डी एक्स दो बार, इसको देखो ये क्या है, ये डी पे स्क्वायर है, तो क्या होगा ये डी बाई डी वाई इन टू डी बाई डी वाई इन टू एक्स, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट हो गया, समझ रहे हो ना भाई, मैंने इसको यहाँ ओपन कर दिया, इसको यहाँ ओपन कर दिया, दोनों प्रोडक्ट में है। अब देखो, अब ये नंबर जो है, देखो ये नंबर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नंबर इससे कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ऊपर दो डी बच गया और नीचे एक डी एक्स बच गया, एक डी वाई बच गया, यानी ये क्या आ गया, ये तो ऐसे आ गया डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई, तो वन थोड़ी आ गया, वन तो आ जाएगा, यहाँ तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, डी वाई से डी वाई कैंसिल आउट हो गया, इनका प्रोडक्ट तो वन आएगा, लेकिन इनका अगर ऑर्डर ग्रेटर देन वन हो गया तो उनका प्रोडक्ट कभी भी वन नहीं आएगा, ध्यान रखना ये लिख जरूर लेना, ठीक है ना, कि अगर ऑर्डर वन है देन द प्रोडक्ट दोनों का हमेशा वन ही आएगा, लेकिन अगर ऑर्डर वन से ज्यादा हो गया तो प्रोडक्ट जो होगा वन नहीं आएगा। हो गया नोट कर लिया, निकालने का मतलब वही है कि जितना भी हाईएस्ट ऑर्डर हो उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करते चले जाओ, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में है डिफरेंशियल ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
पैरामेट्रिक का नाम सुना ही होगा ज्यादातर जो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ते हैं हम लोग, उसमें स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो या कॉनिक सेक्शन का कोई भी कर्व हो, हर जगह पैरामेट्रिक कोफिशिएंट आते हैं, सॉरी पैरामेट्रिक क्वाड्रेंट आते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जनरली फंक्शन क्या होता है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कैलकुलस में, वो क्या होता है, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ऐसे गिवन होता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करो आराम से कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अब क्या हो गया कि मान लो पैरामेट्रिक का ये मतलब हो गया कि वाई एज ए फंक्शन ऑफ क्या आ जाए, मान लो वाई एफ ऑफ टी, इसको मिटा दो, मान लो वाई आ गया एफ ऑफ टी और एक्स आ गया जी ऑफ टी, टी बिलोंग्स टू रियल या रियल पैरामीटर, ठीक है। मतलब ये हो गया कि वाई भी टी का फंक्शन है और एक्स भी टी का फंक्शन है। याद करो कि मान लो कि फंक्शन ऐसे नहीं है कि साइन टी एक्स इक्वल टू साइन टी और वाई इक्वल टू कॉस टी, जनरली कॉस टी साइन टी लिखते हैं। अब एक कोई फंक्शन दे रखा है, सॉरी कोई, हाँ, जहां पर टी क्या है, कोई भी रियल पैरामीटर है। अब इसका बोले डीवाई बाई डी एक्स निकालना, निकालना में वही है, डीवाई बाई डी एक्स निकालना, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं निकालने के, एक क्या होता है कि एक्स और वाई में रिलेशन लेके आ जाओ, ठीक है, एक्स वाई में रिलेशन लाओ, एक्स वाई में रिलेशन कैसे आएगा, वाई एलिमिनेटेड थी, ठीक है, एलिमिनेट करके एक्स वाई में रिलेशन लेके आओ, फिर उसको डिफरेंशिएट कर लो, आराम से डीवाई बाई डी एक्स आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, इनफैक्ट जन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तुम्हें यही होगा कि x और y में रिलेशन निकालना या t को एलिमिनेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसको एलिमिनेट करो तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे यहाँ तो बड़ा आसान दे रखा है मैंने कि y cos t है और x sin t है, t को एलिमिनेट करना है, तो t को एलिमिनेट कैसे करेंगे, हमें मालूम है डिस्टेंस cos square t plus sin square t equal to 1 होता है, ये क्या होगा, ये y square हो गया, x square हो गया equal to 1। अब y के आराम से यहाँ से क्या आ जाएगा, y square equal to 1 minus x square, तो y आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो dy by dx आ जाएगा। तो यहाँ तो ये बड़ा आसान था इसको एलिमिनेट करना, तुमने कर लिया, फिर यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx आ जाएगा। लेकिन इसी में मान लो ऐसे मैं दे y equal to sin t plus t square minus 3 और y equal to t cube plus 4, अब बोले dy by dx निकालो, dy by dx निकालो। अब देखो, अब अगर तुम t को एलिमिनेट करने जाओगे तो पूरा का पूरा टाइम इसी में लग जाएगा, होगा ही नहीं, तो इसमें मुश्किल काम है इसको एलिमिनेट करना, ठीक है। तो होता है क्या है कि जनरली हम प्रेफर भी ये नहीं करते, जो ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इसमें t को एलिमिनेट करने में भी टाइम लग जाएगा और उससे जल्दी तुम उसका डिफरेंशिएट विदाउट एलिमिनेटिंग t निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया कि आपको dy by dx निकालना है तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका x और y में रिलेशन निकाल करके जो t को एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। सेकंड तरीका वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना, मतलब विदाउट एलिमिनेटिंग t वी कैन फाइंड dy by dx और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका हायर भी निकाल सकते हो विदाउट t को एलिमिनेट किए, समझ गए ना। चलो अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमें निकालना क्या है, dy by dx निकालना, हमें dy by dx निकालना। तो दो तरीका मैंने बता दिया आपको, एक तरीका कि t को एलिमिनेट करके, फंक्शन ऐसे दिया होगा, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, फाइंड ऐसे देगा, फाइंड dy by dx वेयर x equal to sin t and y equal to cos t and t belongs to real parameter, ठीक है। तो आप t को eliminate करके निकाल सकते हो, लेकिन ये जो है ना, ये approach थोड़ा difficult होता, हर एक question में applicable होता नहीं है और लगा भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो जो second approach है वही हम लोग follow करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है, क्या होता है, देखो क्या होता है। जनरली हमें इसमें दो पार्ट निकालने हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान समझना, मतलब हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डीवाई बाई डी एक्स निकालना, क्या निकालना है, डीवाई बाई डी एक्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि ना एक्स वाई में, ना वाई एक्स में, ठीक है, दोनों भाई एक दूसरे से रिलेशन तो है नहीं, दोनों टी के रेस्पेक्ट में डिफाइन। तो करते क्या आगे, देखो ध्यान देना कि अगर वाई एज ए फंक्शन ऑफ टी है, तो अगर वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, टी के रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है। तो इसको क्या निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं dy by dt, dy by dt, तो क्या आ जाएगा, d by dt of f of t, और f of t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f dash t, वही दो जनरली होता है, dash लगा दिया, डिफरेंशियल आ गया उसका। सिमिलरली x क्या है, g of t, ठीक है। अब यहां इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो dx by dt
इक्वल डी बाई डी टी, ये समझ रहा हूँ मैं क्यों करूँ, क्योंकि भाई x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, तो जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड होगा उसी के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट होगा, तो अगर x t के रिस्पेक्ट में था तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो हमने dx by dt निकाल लिया जो कितना आया g dash t, तो हमारे पास क्या आ गया dx by dt and dy by dt, ये दोनों हमने निकाल लिया, लेकिन क्या है हमें निकालना क्या है, हमें dx dy by dx निकालना, अब देखो कैसे आप निकाल सकते, हमें निकालना है अपना dy by dx, ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं स्मार्टली, क्या करते हैं यहाँ पे दोनों में dt से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ भी dt से डिवाइड कर लिया, यहाँ भी dt से डिवाइड कर लिया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, देखो dt से dt कैंसिल हो गया, वो क्या आएगा dy by dx ही आ जाएगा, तो जो हमने यहाँ लिखा है वही हमने यहाँ लिखा है, लेकिन देखो यहाँ से एक फायदा हो क्या कि देखो ये रिजल्ट हमने निकाल रखा और ये भी रिजल्ट हमने निकाल रखा, ठीक है, यहाँ हमने dy by dt निकाला और यहाँ हमने dx by dt निकाला, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, ऊपर आ जाएगा f dash t और नीचे आ गया g dash t, ठीक है, यानी हमने क्या निकाल लिया dy by dt, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर, जल्दी नोट करो, ये अपना हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अरे पिछली क्लास तो हुआ ही नहीं था, देखो अपना जो बचा है वो केवल डिफरेंशियल कैलकुलस में एओडी बचा है, एओडी में जैसे हमने तीन पार्ट होते हैं टेंजेंट नॉर्मल मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमम, तो टेंजेंट नॉर्मल एक क्लास का है और दो क्लास मोनोटोनिसिटी में लगेंगे और दो क्लास मैक्सिमम में लगेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाएगा, लास्ट क्लास जो हुआ था आई थिंक लॉगरिथमिक डिफरेंशियल पढ़ाया था यार, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ाया था लास्ट क्लास में, हो गया नोट कर लिया, अब आते हैं कि भाई ये तो अपना फर्स्ट ऑर्डर हो गया, अब अगर तुमसे किसी सेकंड ऑर्डर, ध्यान देना ये मेन पार्ट है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अक्सर लोग गलती करते हैं, भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना, ध्यान समझना हमें क्या निकालना, यही मेन पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट तो ज्यादातर निकाल लेते हैं, सेकंड पार्ट में हमेशा कंफ्यूजन होता है या गलती करते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में लोग ऐसे देखो जैसे वो किया ना डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, उसमें ऐसे मत करना डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, दोनों में डी टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो देखो ये तो ठीक बात है डी टू वाई बाई डी एक्स डी टी स्क्वायर, लेकिन ये क्या है ऐसा कहीं जगह डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, स्क्वायर जो था न्यूमरेटर में डी के ऊपर होता है और नीचे वाले में टी के ऊपर या एक्स के ऊपर होता है, यहाँ देखो ऊपर भी एक्स के ऊपर नीचे भी टी के ऊपर, तो जनरली ये होता नहीं है, यहां से निकलता नहीं है, इसका देखो तरीका क्या ध्यान देना इसमें इंपॉर्टेंस, इसको निकालने का तरीका ये होता है कि देखो हमने dy by dx निकाला, निकाल लिए वो क्या है f dash t upon g dash t, तो अगर मान लो कि भाई ये भी t का फंक्शन है और ये भी t का फंक्शन है, तो ओवरऑल t का फंक्शन ही आएगा, तो मान लेते हैं इसको h of t, मतलब इस पूरे पार्ट जो है ना f dash t upon g dash t इसको हमने क्या मान लिया h of t, मान h of t मान लिया, ठीक है, कोई ना कोई टी का फंक्शन ही होगा, अब
से कोई टी का फंक्शन होगा तो उसको हमने क्या मान लिया, एच ऑफ टी मान, ध्यान देना। अब हमारे पास क्या है कि हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया, वो कितना है dy by dx, वो किसके इक्वल आ गया, h of t के इक्वल, ठीक है, मतलब इस पूरे पार्ट को h of t मैंने मान लिया। हमें क्या निकालना, सेकंड ऑर्डर, तो क्या करते हैं, याद करो सेकंड ऑर्डर के लिए बहुत सारे d by dx से मल्टीप्लाई करते हैं, तो d by dx से मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी, और d by dx से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, बहुत सारे d by dx से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा d2, दो डी हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। तो ये तो अपना आ गया जो अपने को चाहिए। अब यहां देखोगे तो यहाँ एक प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम क्या है भाई कि हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन फंक्शन किसका है, टी का है। अब अगर फंक्शन टी का है और डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कैसे होगा भाई, ये टी है तो टी तो हमेशा डी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ना, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और ये डिफरेंशिएट जो करेंगे वो x वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा। तो यहाँ एक काम करते हैं, ठीक है, और वो काम ये करते हैं, ये अपना d of h of t है, और नीचे dx है, dt से, या थोड़ो ऐसे ही समझो, चलो dt से डिवाइड कर दिया थोड़ा थोड़ा, उससे फर्क पड़ा नहीं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे लिखा हुआ d of h of t divided by dt into, मतलब ये dt इधर गया और ये dx इधर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर dt और नीचे dx, मतलब इन दोनों के पोजीशन को स्वैप कर दिया, dt इधर गया और dx इधर आ गया। तो देखो जैसे dt यहाँ जाएगा तो ये जो फंक्शन बनेगा जो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग वो h of t विद रिस्पेक्ट टू t, काम हो गया अपना, दिख रहा है ये, तो क्या आएगा भाई, अगर किसी फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो और वो t के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है तो ये तो x डैश t आ गया ना यार, और ये क्या है, ये ध्यान दो dt by dx, यानी क्या हो जाएगा ये 1 upon g dash x, सॉरी g dash t, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है 1 upon dx by dt, ये जो नंबर है इसको क्या लिख सकते हैं 1 upon dx upon dt, और dx upon dt कितना था g dash t, वो तो क्या, यानी रिजल्ट कितना आ गया h dash t upon, बताओ कोई डाउट किसी को, तो रटना नहीं, रटोगे भी भूल जाओगे, प्रोसेस याद रखो। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उतनी बार डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट ऑर्डर निकालना आसान है, सेकंड ऑर्डर के लिए दोनों साइड हमने क्या किया डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, बस देखो सिंपल कैलकुलेशन है, खुद से आप लिख सकते हो समझ के। अरे कौन से स्टेप में डाउट है, कौन स्टेप बताओ, देखो लास्ट स्टेप में यहाँ तो बस वही किया भाई, डी बाई बाई डी एक्स से डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो सेकंड ऑर्डर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया डी ऑफ एच ऑफ टी अपॉन डी एक्स, ये लिखा होगा। अब देखो ये फंक्शन टी का था तो ये टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, तो इसको डी टी देना पड़ेगा, और इसके पास डी एक्स है तो डी एक्स से इसका काम होगा नहीं, तो हमने इसको क्या किया डी टी देने के लिए डी टी बाई डी टी से मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये थोड़ा इसको डी टी चाहिए तो अकेला डी टी तो दे नहीं सकते, अकेला डी टी दोगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना, ये थोड़ा ये 1 बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दो, अगर dt by dt से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या है 1 है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते ना, तो dt by dt से हमने मल्टीप्लाई किया, उससे क्या फायदा होगा कि ये जो dt था ना वो इधर आ गया और इस dx को इधर कर दिया, मतलब इन दोनों के पोजीशन को स्वैप कर दिया हमने, ये इधर गया और ये इधर गया,
जैसे ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डी ऑफ एच ऑफ टी अपॉन डी टी, और जब डी एक्स इधर जाएगा तो क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। तो यदि कोई फंक्शन है एच ऑफ टी, उसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा, एच प्लस टी। मतलब मान लो मैं साइन टी होता तो क्या आता, कॉस टी। अगर मान लो यहाँ पर टी एस पर होता तो क्या आएगा, टू टी। मान लो अगर sec t होता तो क्या था, sec t into tan t। मतलब कहने का होता है जो फंक्शन है ना और उस t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो जो उसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को लिख दो। तो अभी फंक्शन h है, h just लिख दिया। और ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा है dt by dx। dt by dx का क्या मतलब हुआ, 1 upon dx by dt। ये दोनों पार्ट सेम है ना, समझने के लिए हम लिख दिया। तो 1 upon dx by dt, और dx by dt तो हम निकाल चुके हैं ना पहले ही फर्स्ट ऑर्डर में, और dx by dt कितना निकाला था हमने, g dash t। तो ये जी डेस्ट आ गया और एच डेस्ट आ गया, मतलब क्या आ गया रिजल्ट, एच डेस्ट अपॉन जी डेस्ट। ये तो सिंबॉलिक है ना, मतलब एक क्वेश्चन कुछ ऐसे थोड़े फंक्शन दिया है, ये तो ऐसे ही कर दिया। अब एक क्वेश्चन करोगे तो फिर वहां क्लियर हो जाएगा अपने आप। हाँ, और किसी का डाउट, एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा, मतलब दोनों का मतलब क्या। मान लो क्वेश्चन है y इक्वल टू a sin t और x इक्वल टू cos t, हमें क्या निकालना है, dy by dx और d2y by dx2। ठीक, सिंपल बात है कि इसको क्या करेंगे, ये dy by dx आएगा, सॉरी dy by dt, तो ये आएगा a cos t और ये आएगा dx by dt cos का डिफरेंशियल माइनस sin t। ठीक है, यहां तक आ गया। अब हमने क्या निकालना है, dy by dx, तो dy by dx निकालोगे तो ये आएगा वही डीवाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये रिजल्ट ए कॉस टी है और ये माइनस साइन टी है। ठीक, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए कॉट टी आ। ठीक है, तो ये अपना आ गया डीवाई बाई डी एक्स माइनस ए कॉट टी। अब हम निकालते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स, ध्यान देना, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो क्या मतलब हुआ, d by dx of dy by dx, d2y by dx2 का मतलब हो गया d by dx of dy by dx। ठीक है, d by dx of dy by dx, ये रिजल्ट हम निकाल चुके हैं, वो कितना है, माइनस cot, तो यहां लिख दो a dx माइनस a cot। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, तो माइनस a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, d by dx of cot t, sorry cot t है, ठीक है, अब ये cot t हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग याद करो कि d by dx of cot t और dt by dt से मल्टीप्लाइड किया, dt by dt से मल्टीप्लाई डिवाइड, हम पोजीशन स्वैप कर देंगे, यानी d ऑफ cot t अपॉन dt इनटू dt अपॉन dx। अब cot t का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, माइनस a, क्या होता है, माइनस cosec square t, और dt by dx क्या होगा, वही कहां गया, ये वाला पार्ट dt dx by dt, और ये कितना, माइनस sin t, तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कितना आ गया, देखो माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस है, ये भी आएगा, और ऊपर जाए क्या हो जाएगा, कोसेक क्यूब। देखो फर्स्ट आसान है, फर्स्ट ऑर्डर तो कोई भी निकाल सकता, सेकंड ऑर्डर ही थोड़ा सा ट्रिकी है, हालांकि स्टेप वन बाय वन अपने आप करोगे ना, इसमें कभी कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और खुद से निकाल सकते, इसलिए बोला रिजल्ट याद मत करो, रिजल्ट तो याद करोगे आज कल भूल जाओगे।
डाउट है किसी को किसी पार्ट में? डाउट नहीं किसी को? मतलब नेक्स्ट है सेम वही क्वेश्चन कि भाई एक फंक्शन एक्स दे दिया, वाई दे दिया, वाइडेस्ट पाई बाई फोर। वाइडेस्ट पाई बाई फोर का मतलब क्या हुआ कि जो हमने डी बाई डी एक्स निकाला है उसमें टी को किससे रिप्लेस कर देगा? पाई बाई फोर से। अगर मान लो इसी क्वेश्चन ये पूछता वाइडेस्ट पाई बाई फोर, तो देखो वाइडेस्ट क्या है, अब इसमें टी को क्या डालेंगे, माइनस सॉरी पाई बाई फोर, तो कॉस पाई बाई कॉट पाई बाई फोर बनेगा। कॉट पाई बाई फोर क्या होता है? वन। तो आंसर क्या आएगा? माइनस वन, सॉरी माइनस ए, फिर उसी में उसी टाइप से। यानी क्या है कि रिजल्ट निकालने के बाद टी इज रिप्लेस बाई दिस वन, मतलब टी है। यहाँ लिख लेना या फिर देखो ऐसे लिख लेता, थोड़ा कंफ्यूजन हो तो मतलब dy by dx at t equal to pi by 4 and d2y by dx2 at t equal to pi by 4। फर्स्ट में कोई डाउट तो नहीं किसी को? आराम से निकाल, ठीक है? ये थोड़ा निकाल लोगे देखने में थोड़ा सा बड़े दो दो टर्म हो लेकिन बड़ा आसान है, तो थोड़ा ठीक से करना, कैलकुलेशन गलत ना हो। टाइम लो लेके आंसर सही निकालो।
ठीक है, दुनिया का और आदमी का दोनों का सही है। सेकेंड ऑन भी गलत है। ठीक एक से दे रखा है। अब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डीएक्स बाय डीटी, कॉस के साथ डीटी गया और टी साइन टी गया, तो ये तो यू इनटू वी होगा ना, इसको यू इनटू वी में करेंगे। अब ये मत बोलना कि सर ये इसका डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा, दो फंक्शन का सम है, कितनी कर चुके हैं आप, ये नहीं कर पाओगे फिर तो मुश्किल ही है। दो समेशन है तो कॉस का क्या आएगा, कॉस का माइनस साइन, और ये क्या, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टी इंटू साइन टी, तो यू इंटू वी का डिफरेंशियल है ना, तो यू इंटू वी का डिफरेंशियल क्या होगा, यू का डिफरेंशियल वन इंटू वी प्लस यू इंटू वी का डिफरेंशियल। सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट क्या हो गया, ए टी कॉस टी, यानी ये आ गया डी एक्स बाई डी टी। देखो खुद से करोगे तभी सीखोगे, ऐसे तो फिर कोई फायदा है नहीं, जब तक खुद से करना सीखोगे नहीं तब तक क्या फायदा। और ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं, अगर पुराने चीजें आपको याद है तो इसको डिफरेंशियल आराम से कर सकते हो, पुरानी चीजों को रिविजन ही नहीं किया, उसने कोई कर काम किया ही नहीं तो फिर डिफिकल्ट है फिर क्वेश्चन को सोल्व करना। मैथ में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा तो है नहीं, तो प्रैक्टिस तो वही बहुत जरूरी है मैथ के लिए। अब अगर इसमें लगाओगे तो क्या आएगा, फिर वही बात, ये क्या है, तो वाई अपना क्या है, ए साइन टी, ए को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए साइन टी माइनस ए टी कॉस टी, सेम वही बात, फिर डीवाई बाई डी टी करोगे ए बाहर आ गया डी बाई डी टी। हालांकि देखो ये स्टेप तुम ना लिख के डायरेक्ट भी रिजल्ट लिख सकते हो, यार जरूरी नहीं कि तुम ये स्टेप लिखो, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई किसी को अगर डाउट हो तो डाउट ना रहे, क्योंकि ये स्टेप लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे तो साइन का डिफरेंशियल लिखो सीधे, और इसमें क्या यूनिट वी लगा रहे उसका डिफरेंशियल लिखो, ए तो क्या ए कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई करो या तो सबसे बाहर रखो या फिर दोनों मल्टीप्लाई करो एक ही बार में, और साइन का डिफरेंशियल कॉस टी, इसमें यू टू वी लगाएंगे, ए तो ये रहा टी का वन इंटू कॉस टी माइनस टी इंटू साइन। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या आ गया डी वाई बाई डी टी ए टी साइन।
देखो बार बार मैं बोलता हूँ, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन करना शुरू नहीं करोगे, तब तक मैथ में बहुत एडवांटेज नहीं मिलेगा। मैथ में जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना काम करोगे, उतना एडवांटेज मिलेगा। थ्योरेटिकल तो बहुत कमी है इसमें, प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें है इसमें। तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक फिर रिजल्ट आना डिफिकल्ट है कॉम्पिटिटिवली। मैथ में प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा है। तो देखो आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। यानी ये क्या है, ये ए टी साइन टी और ये ए टी कॉस टी, यानी क्या आएगा टैन टी। अब देखो कितना छोटा आ गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, सिंपल टैन टी आ गया। डाउट है किसी को? किसी पार्ट में कोई डाउट किसी को?
sec स्क्वायर थीटा हाँ इतना सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा बताओ। तो इसमें सेकंड का ज्यादातर लोग का अलग अलग आ रहा है। डी टी नहीं, डी थीटा के रेस्पेक्ट होगा ना, थीटा का फंक्शन है तो डी थीटा आएगा। देखो इसका वाई डैश पाई बाई थ्री टू, तो थ्री रूट थ्री बाई वन y डबल डैश देखना यही आ रहा है क्या?
ए भी आएगा ना, ए तो आएगा सर। देखो सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, बहुत लोगों ने ये लिखा ही नहीं है, ऐसे थोड़ी चलेगा। बार बार बोलते हैं एक्यूरेसी और स्पीड में, एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करता है, यानी कि स्पीड बहुत कम होना चाहिए। आराम से करो लेकिन सही करो, बहुत आराम से भी नहीं। चलो देखो अब इसमें एक एक क्वेश्चन कर लो, इनसे बता दो क्या आ रहा है। अब इसमें एक कंसेप्ट बचा हुआ, वो अगले क्लास में खत्म करके फिर एओडी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। टैंजेंट नॉर्मल, डेरिवेटिव बाय इनवर्स फंक्शन, जो जेई में लास्ट पेपर में, दो पेपर में या तीन पेपर में क्वेश्चन आया था, जो अभी एक बचा हुआ है, बार बार आता रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में वो बचा और फिर एओडी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा इनवर्स का वो देख लेना आप, जो मैंने इनवर्स पढ़ा था हमें याद करो, साइन इनवर्स, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, कॉस इनवर्स, इन तीनों का रिजल्ट याद करके आना, अगले क्लास में इसका यूज करेंगे, ठीक है। रिजल्ट याद रखोगे तो बस इनमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, दो तीन मिनट में काम हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका रिजल्ट याद रख के आना कि क्या होता है, मतलब रिजल्ट हमने जो डिराइव करा था वो रिजल्ट क्या था, ठीक है ना। हाँ, टू टाइम इनवर्स एक समय से थोड़े होता है, डिपेंड ऑन द इंटरवल ऑफ एक्स ना, याद करके आना उसको। हाँ, इसका रिजल्ट बता दो क्या रहा है, याद रहना नेक्स्ट क्लास में अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हाफ एन आवर ज्यादा लगेगा नहीं। टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास, और पैकेज कर सकते हो, डिफरेंशिएशन का पैकेज कर लेना पूरा, एक पार्ट अपना बचा है वो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। आया किसी का रिजल्ट फोर्थ का?
चलो एक एक क्वेश्चन में देख लिया, देख लो इसका, x इक्वल 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब और y इक्वल 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। हमें निकालना है dy by dx at t इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसका रिजल्ट भी लिख दिया, देख लेना एक बार करके। इसका रिजल्ट माइनस वन आएगा और इसको चेक कर लेना, इसका रिजल्ट जीरो है, ठीक है। तो आप एडिशन में और बाकी पैकेज कर लेना, हो जाएंगे। एक अपना कंसेप्ट बचा हुआ, नेक्स्ट क्लास में करके फिर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव नया यूनिट स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव खत्म होगा फिर उसके बाद देखते हैं कि मैं सोच रहा हूँ डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स एक बार खत्म कर दें उसको। ठीक है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा वो गैप दे देंगे ना, डिफरेंशियल कैलकुलस में और इंटीग्रेट कैलकुलस में थोड़ा बीच में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कर लेंगे, थोड़ा गैप हो जाएगा, मतलब मोनोटोनस जो था वो थोड़ा कम हो जाएगा, एक नया चीज पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो कर लेना, आंसर लिख दिया मैंने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये पढ़ के जरूर आना जो मैंने लिखा था ना, कॉस इनवर्स वाला, साइन इनवर्स और टैन इनवर्स, नहीं तो फिर पल्ले पड़ेगा नहीं क्योंकि मैं रिजल्ट लिखूंगा सीधा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके बाय।